वेलकम इन प्रियदर्शनी आर्ट क्लासेस। मैं मंजू खजांची प्रियदर्शनी आर्ट क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम स्पंज से फैब्रिक पेंटिंग सीखेंगे। आज जो मैं सिखाने वाली हूँ आपको फैब्रिक पेंटिंग, उसके लिए हमें फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स चाहिए और ये स्पंज और कोई भी कॉटन या ऐसे भी सेमी सिंथेटिक वाइट कलर हो, नहीं तो लाइट कलर का क्लॉथ आपको चलेगा। और मैं समझती हूँ आज जो मैं टेक्निक सिखाने वाली हूँ इसमें किसी को भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आएगी। जिनको ड्राइंग आती हो, नहीं आती हो, ब्रश पकड़ना आता हो, नहीं आता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई एज लिमिटेशन नहीं है। हमारे पास ये फ्रेम रिंग नहीं है कपड़े का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने नीचे पैड रखा है, एग्जाम बोर्ड या पैड, उस पर आप अपने कपड़े को इस तरह से तान दीजिए, पीछे टेप लगा दीजिए और नीचे ये, नहीं तो फिर कोई टेबल पे भी रख दीजिए और टेप लगा दीजिए और नीचे प्लास्टिक रख दीजिए इस कपड़े के नीचे, ताकि सरफेस से वो चिपके नहीं। कोई भी थिक प्लास्टिक सीट आप रख के वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या चाहिए, स्पंज चाहिए। तो स्पंज हमने ले लिया, इसकी आप छोटे से टुकड़े आप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने छोटी सी पीस ले ली है। आपका कपड़ा अगर बड़ा रिंग है तो बड़ा पीसेस ले लीजिए और स्मॉल है तो स्मॉल ले लीजिए, ओके। और एक बाउल में आप वाटर ले लीजिए। तो और फिर ये स्पंज मैंने इसमें फुल्ली डिप कर दिया, इस तरह से आप डिप कर लीजिए इसे फुल्ली, और इसका पानी निकालना नहीं है। बस ज़्यादा हो गया तो हल्का सा आप ट्विस्ट कर दीजिए, गीला ही रहना है इसे, ओके। तो इस तरह से आप डिप करिए। फिर बैक में हमें जो कलर लेना है आप अपने अनुसार ले सकते हैं, एक लाइट सेड और एक डार्क सेड। तो फर्स्ट हम करते हैं, चलिए येलो वाइट पहले लाइट से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ऑलवेज गो लाइट टू डार्क, इट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ कलरिंग। तो ऑलवेज फॉलो फर्स्ट लाइट स्प्रेड करने का, बाद में डार्क। तो मैंने लेमन येलो और व्हाइट कलर यहाँ मैं ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए व्हाइट लिया, थोड़े से हिस्से में हम व्हाइट रखेंगे और थोड़े से हिस्से में हम येलो रखेंगे, इस तरह। आई होप आप सबको क्लियर दिख रहा होगा, ऑल ऑफ यू रेडी। एंड देन बस अब इंजॉय करना है, कोई भी कपड़ा जो आपने बिछाया है उस पर लीजिए और जहां भी आपको अच्छा लगता है ऐसे ऐसे आपको दबा के रखना है। देखिए कलर्स आ जाएंगे इस तरीके से, दबा के प्रेशर कीजिए स्पंज को इस तरीके से। वाटर पहले से ही स्पंज में, सब जगह नहीं करना है, थोड़े थोड़े हिस्से में और थोड़े जगह में हम दूसरे कलर्स खोलेंगे। इस तरह ऑटोमेटिक कलर इंटरमिक्सिंग हो जाएगी और आपके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आ जाएंगे। हमने कपड़ा गीला नहीं किया, आपको इसको अब ज्यादा स्प्रेड करना है, थोड़ा और फैलाना। तो क्या कीजिए, स्पंज को थोड़ा वाटर में डुबाइए। थोड़ा सा वाटर लिया मैंने और इसके ऊपर डाल दिया। ये कलर डालने के बाद देखिए ये ऑटोमेटिक ये स्प्रेड होगा, लाइट डार्क येलो हो जाएगा। थोड़ा सा वाटर में डिप करिए स्पंज को, बस लाइटली, और आपको जितना कलर स्प्रेड करना है यू कैन स्प्रेड इट। अब थोड़े दूसरे कलर्स के लिए हम ये एरिया को रखें। ऑल ऑफ यू अगेन, मैंने देखिए स्पंज गीला कर लिया है। फर्स्ट स्पंज भी ऐसे ही पानी में सिर्फ डुबाया आपके सामने, इस तरह डुबा के हमें निकाल लेना, पानी रिड्यूस नहीं करना, दबाना नहीं है इसे। और फिर मैंने यहाँ फर्स्ट येलो व्हाइट लिया था, अभी मैं इस पर रेड एंड ब्लू कलर लूंगी। तो आई टेक रेड कलर मैंने ये लिया है और ब्लू। ऑलवेज गो लाइट टू डार्क मैंने जैसा कहा, तो फर्स्ट मैंने लाइट शेड लिया है येलो व्हाइट, देन आई टेक डार्क शेड रेड एंड ब्लू कलर। इस तरह से मैंने ये कलर्स को रखा है आपके सामने, ओके। अब इसके बीच में हम जो स्पेस बचा उसमें सिर्फ प्रेस करना है, ऐसे दबा देना है, और थोड़ा व्हाइट भी लेंगे इसके ऊपर, बाद में मैं बताती हूँ। थोड़ा ये डार्क से स्प्रेड हो जाए, फिर इसी तरह ऑटोमेटिक स्पंज में वाटर है, ये ऑटोमेटिक स्प्रेड होगा और बैकग्राउंड हमारा कलर हो जाएगा। फिर डायरेक्ट हम व्हाइट कलर से कोई भी फॉर्म, जो भी फ्लावर, जो भी शेप देना, एकदम ईजी वे में आप कर सकेंगे, ओके। जैसे मैंने फर्स्ट पर लिया था, इसमें भी थोड़ा सा वाटर ले लें स्पंज में, तो ये कलर आपके लाइट हो जाएंगे, देखिए ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे। थोड़ा वाटर लिया, पहले कलर डाला फिर वाटर लिया,
और हमने डैप कर दिया इसको. यू कैन डैप इट जहां तक आपको स्प्रेड करना है, जहां भी स्प्रेड करना है बस आपको ये डैप कर देना है. आई थिंक अभी व्हाइट कलर हमें निकाल लेना है. अभी मैंने व्हाइट कलर लिया है और मुझे राउंड ब्रश चाहिए. तो राउंड ब्रश आप कोई भी ले सकते हैं, 0001 या 2, जैसी आपको थिक चाहिए. बट फर्स्ट में मैं 2 नंबर का राउंड ब्रश ले रही हूँ फॉर आउटलाइन. तो व्हाइट कलर मैंने लिया है और सेंटर से मैं एक फ्लावर बनाना बता रही हूँ आपको. एकदम इजी वे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखिए मैंने एक डॉट लिया सेंटर में और फिर एक राउंड शेप, ओवल शेप का कैसे भी आप चला दीजिए हाथ, जैसे आपको पेटल्स चाहिए. गीला है पीछे का तो हम इस पे 2 कोट करेंगे बाद में और एक बार व्हाइट चलाएंगे. अभी हल्का सा मैं शेप दे रही हूँ. देखिए इस तरीके से जैसे भी शेप का आपको फ्लावर पसंद है यू कैन क्रिएट. एक पेटल किया मैंने ये क्रिएट. अभी सेकंड पेटल इसके थोड़ा सा ऊपर मैंने लिया और इस तरीके से डायरेक्ट लेना है आपको. जैसा आपका हाथ चलता है, जैसा पेटल बनता है वही शेप हो गया. कोई प्रॉब्लम नहीं, ना रबिंग की जरूरत है ना कुछ है, कुछ गलत नहीं है. फूल है, फूल हर रूप के होते हैं, हर शेप के होते हैं. जैसा आपने बनाया अच्छे से बनाइए, खुश होके बनाइए, सब अच्छा है. आप ही उसे अच्छा नहीं समझेंगे तो दूसरे कैसे समझेंगे. और प्रैक्टिस में भी परफेक्ट आप दिल से करेंगे तो आपकी खुशी आपके निकल के आएगा और खूबसूरती अपने आप आपके वर्क में आ जाएगी. ये मैंने 2 पैटल्स लिए, एकदम सिंपल लिए हैं. अभी तीसरा पैटल्स में यहाँ से एक लाइन खींच देती हूँ. चलिए मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी है, ये फोल्डेड दिखा दे रही हूँ. और एक इधर से मैं आ रही, इधर से मैं थोड़ा सा ऐसे आई फिर ऐसे 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 घुमा दिया. क्रिएट एनी शेप एज यू लाइक इट. ऐसे मैंने एक शेप दे दिया फिर इसको यहां लाके ज्वाइन कर दिया. आपको जैसा स्पेस है, सिर्फ 3 पेटल्स अभी मैंने बनाए हैं, आपको जैसा शेप चाहिए वैसे कर दीजिए व्हाइट कलर से. और फिर इसको मैं फोल्डेड दिखाना चाह रही हूँ. तो फोल्डेड कैसे होगा, इजी. देखिए ये किया, जहां से आपको फोल्डिंग करना है एक लाइन लीजिए, लाइन लेके ऐसे शेप दीजिए और कॉर्नर्स में आके मिला दीजिए. ये फोल्डिंग पेटल हो गया फ्लावर्स के. और ये अभी गीला है इसलिए जो भी मैंने व्हाइट डाला वो थोड़ा स्प्रेड होगा, बाद में हम फिर से आउटलाइन करेंगे. ओके सो इस तरह से मैंने हल्का सा शेप क्रिएट कर दिया पहले. लास्ट में हम फिर आउटलाइन करेंगे क्योंकि अभी गीला है तो जो भी मैंने व्हाइट डाला है वो स्प्रेड आउट होगा तो वो भी एक अच्छा लुक देगा. अब आपको क्या करना है, जो जो जगह आपको, जैसे ये एक पेटल बना हमारा, अब इसमें जो जो कलर्स आपको चाहिए वो ऊपर से आप गीले गीले में डालते जाएं, जहां लाइट करना है वहां व्हाइट डाल दें. इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं. तो मुझे ये लाइट करना, देखिए मैंने यहाँ थोड़ा सा व्हाइट डाल दिया, ये मेरे ब्रश में था. फिर क्या करना है, एक फ्लैट ब्रश लेना है, दूसरा 1 नंबर यहाँ, और इसे हल्का सा मूव कर दीजिए आप. तो ये एरिया देखिए आपका लाइट हो गया, गीला है पीछे, कुछ नहीं करना, अपने आप सेट्स हो गए इसमें. ओके इस तरीके से सेट्स हो जाएंगे. फिर मुझे ये हिस्सा यहाँ पे थोड़ा सा लाइट करना है और डार्क भी करना है. पहले मैं लाइट व्हाइट मेरे ब्रश में, इसलिए जहां जहां मुझे लाइट करना मैं व्हाइट डालती जाऊंगी ताकि पेटल और बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए. और फिर मैं इसे इस तरह ब्रश से वॉश कर दूंगी. ब्रश बीच बीच में आप वाटर से धो लें और कपड़े से रब कर लें. तो ये मैंने किया, फोल्डेड को बाद में करूंगी. ये क्या, अब मैं थोड़ी से अलग अलग कलर्स लेके इन फूलों में डालेंगे और लाइट डार्क करेंगे. तो मैंने येलो कलर जैसे लिया, जहां भी मुझे चाहिए येलो लिया थोड़ा सा, और इस फोल्डिंग भाग को अलग करना है मुझे. इस फोल्डिंग पेटल पे मैंने ये येलो कलर डाल दिया यहाँ पे. फिर इसके कॉर्नर्स में मुझे चाहिए तो यहाँ डाल दिया. ऐसे आप थोड़ा बैकग्राउंड से उसे चेंज कर दे ताकि आपके फ्लावर्स थोड़े अलग से दिखने लगेंगे.
अभी मैं आपको लीव्स दिखा रही हूँ, फिर हम इसके सेंटर वगैरह सब क्रिएट करेंगे। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। लीव्स बनाने के लिए भी हम फ्लैट 1 नंबर ब्रश का यूज करेंगे। अभी फ्लावर थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएगा, फिर आउटलाइन करते ही आपके सारे फ्लावर के सारे शेप आपको क्लियर दिखेंगे। लीव्स अभी लीव्स के लिए हम ग्रीन कलर लेंगे, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, सैप ग्रीन, येलो, आप कोई भी कलर जो चाहिए वो ले सकते हैं। फर्स्ट मैंने सैप ग्रीन लिया, उसमें डिप करूंगी पहले, उसके बाद ऊपर से येलो और लाइट ग्रीन का सेप। अभी आपको जिधर भी लीव्स बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा डायरेक्ट खींच देना है एक पैटर्न। पहले मैं इसकी स्टेम रेडी कर देती हूँ, ये यहाँ से मैंने स्टेम एक रेडी कर दी। थोड़ा वाटर ब्रश में लीजिए, इजली मूव हो जाएगा ये, और थोड़ा स्प्रेड होगा, गीला है नीचे, उससे कुछ घबराना नहीं है आपको, बाद में आउटलाइन हो जाएगी उससे और अच्छा लुक होगा आपका। स्प्रेड कलर हो रहे हैं उससे कुछ भी नहीं घबराना है, ये ऐसा ही टेक्निक है और काफ़ी ब्यूटीफुल इफेक्ट आएगा आपको बाद में। फिर इस पर मैं शेडिंग करूंगी, पहले सिंगल कलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि आप शेप समझ सके। एक साथ भी ब्रश में आप 2-3 कलर लेके अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं डार्क ग्रीन लूंगी, डार्क ग्रीन आपके पास नहीं है तो आप कोई भी जो भी लाइट ग्रीन है उसमें आप ब्लू कलर मिला लें, आपका डार्क ग्रीन रेडी हो जाएगा। इस तरह से इसके ऊपर हल्के हल्के को मैं डार्क ग्रीन चला दीजिए। आप इसमें ब्राउन, ब्लैक, जो भी शेड चाहिए आपको, जो भी पसंद हो कलर्स अपने चूज के अनुसार। ये भी एक हमारा फ्लावर बन गया ऑटोमेटिक, देखिए कलर्स जो भी शेप आए वो हमारा फ्लावर फॉर्म हो गया। ये बनने के बाद आप देखो इसका लुक कितना अच्छा आएगा, एकदम मॉडर्न आर्ट जैसा लगेगा। आपको समझ आएगा हैंड प्रिंट आपने किया है, ये लगेगा प्रिंटेड इफेक्ट आएंगे इनके। प्रियदर्शनी आर्ट क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू और बाय बाय।